द एंड ऑफ एदोनीबेजेक, एदोनीबेजेक का अंत। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज का ये वचन न्यायियों की पुस्तक के पहले अध्याय से लिया गया है। न्यायियों की पुस्तक यहोशू की मृत्यु के बाद शुरू होने वाले एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। पर आज का वचन एक क्रूर राजा के बारे में है जो बहुत ही निर्दयी था, और ये वचन उसके अंतिम दिनों पर केंद्रित है। अदोनीबेजेक, बेजेक का राजा था जो कनान देश में था। यह वचन यहोशू की मृत्यु के बाद का है। यहोशू की मृत्यु के बाद इसराइल के लोग बहुत चिंतित थे कि अब कौन उनके लिए लड़ेगा। तब उन्होंने यहोवा से सहायता मांगी और प्रार्थना किया। उन्होंने यहोवा से पूछा, हमारे परिवार समूह में से कौन प्रथम जाने वाला होगा तथा कनानी लोगों से हम लोगों के लिए युद्ध करने वाला होगा। इस पर यहोवा ने उन्हें बताया कि यहूदा का परिवार समूह जाएगा। मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदा आगे बढ़ा और उसने अपने भाई शिमोन से सहायता मांगी और कहा, भाइयों, यहोवा ने हम सभी को कुछ प्रदेश देने का वचन दिया है। यदि तुम लोग हम लोगों के प्रदेश के लिए युद्ध करने में हमारी सहायता करोगे तो हम लोग भी तुम्हें तुम्हारा प्रदेश पाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। इस बात पे वे लोग उनकी सहायता करने को तैयार हो गए, और यहोवा ने भी यहूदा के लोगों को, कनानियों और परिच्ची लोगों को हराने में उनकी सहायता की। फिर यहोवा की सहायता से यहूदा के लोगों ने कनानियों और परिच्ची लोगों को हरा दिया। फिर यहूदा के लोगों ने बेजेक नगर में 10,000 व्यक्तियों को मार डाला। बेजेक वही नगर था जहाँ का शासक अदोनीबेजेक था, जो बहुत ही क्रूर राजा था। अदोनीबेजेक ने भाग निकलने का प्रयत्न किया, किंतु यहूदा के लोगों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। जब उन्होंने उसे पकड़ा तब उन्होंने उसके हाथ और पैर के अंगूठों को काट डाला। तब अदोनीबेजेक के शासक को अपने कर्मों का एहसास हुआ और वह बोला, मैंने 70 राजाओं के हाथ और पैर के अंगूठे काटे और उन राजाओं को वही भोजन करना पड़ा जो मेरी मेज से टुकड़ों में नीचे गिरा, और अब यहोवा ने मुझे उसका बदला दिया है जैसा मैंने उन राजाओं के साथ किया था। फिर यहूदा के लोग बेजेक के शासक को यरूशलेम ले गए और वहां उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह अदोनीबेजेक का अंत हुआ। अब आइए देखें कि इस वचन में हमें क्या सीखने को मिलता है। बाइबल परमेश्वर का ऐसा जीवता वचन है जिसमें आपको अपने हर एक सवालों के जवाब मिलेंगे। इसको यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे और उस पर चलेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आप पर बना रहेगा। बाइबल हम सबको इस दुनियावी जीवन को कैसे जीना है उसका मार्ग दिखाती है। यह वचन उस क्रूर राजा के जीवन को दिखाता है और हम सबको ये मौका देता है कि हम सब उसके जीवन से कुछ सीखें। वह राजा इतना क्रूर था, उसने 70 राजाओं के हाथों और पैरों के अंगूठे कटवा दिए। अंगूठा हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। सोचिए कि अगर आपके अंगूठे न होते तो क्या आप किसी भी वस्तु को उठा पाते, या पैरों के अंगूठे न होते तो क्या आप ठीक से दौड़ पाते। उन राजाओं के अंगूठों को कटवाने का एक बड़ा विशेष कारण यह था कि अदोनीबेजेक का उद्देश्य उन्हें लाचार बनाना था ताकि वो युद्ध न कर सके। उन दिनों राजाओं के लिए एक योद्धा होने का गुण अति आवश्यक था। युद्ध तलवार और ढाल से लड़ा जाता था। दौड़ने के लिए पैरों के अंगूठे का होना तो जरूरी था, पर अगर उन्हें काट दिया जाए तो दौड़ना कठिन हो जाता है। यही कारण था कि अदोनीबेजेक ने राजाओं के हाथ पैर के अंगूठे कटवा दिए ताकि वे उसके विरुद्ध हथियार न चला सके और न उससे दूर भाग सके। उसने उन्हें अपनी मेज के नीचे पड़े टुकड़ों में खाने को भी कहा और यह सुनिश्चित किया कि वे हमेशा उसके अधीन रहे। अदोनीबेजेक का व्यवहार दुष्टता का प्रतीक है, अतः आखिरकार अंत में उसकी दुष्टता पर लगाम लग गई और उसके साथ वैसे ही हुआ जैसा उसने सबके साथ किया था। और मृत्यु से पहले उसको इस बात का एहसास भी हुआ कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यह बड़ा विशेष वचन है, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह वचन हम सबको एक अच्छा जीवन जीने का मार्गदर्शन भी देता है। हर किसी के जीवन में उसका अंत उसकी कर्म पर निर्भर करता है।
गलातियों की पुस्तक के 6 अध्याय के 7 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वचन के हिसाब से यदि आप अच्छा बीज बोते हो या कुछ अच्छा करते हैं तो आपको बाद में पुरस्कार पाने की उम्मीद करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप खेत में कुछ सब्जियों के बीज लगाओगे तो आपको उससे कुछ सब्जियां मिल सकती हैं। यदि आप किसी को मदद देते हैं तो वो आपकी जरूरत के समय मदद करेगा। जो बोओगे वही काटोगे का अर्थ यह भी है कि आप जीवन में जो कर्म करेंगे वह आपके पास लौट कर आएगा। अच्छे कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरे कार्यों के बुरे परिणाम, जैसा कि अदोनिबेज़ेक के साथ हुआ। मनुष्य जो बीज बोता है वही काटता है। पौलुस हमें एक आध्यात्मिक उदाहरण देता है जो शरीर के लिए बोने और आत्मा के लिए बोने के बीच के अंतर के बारे में बताता है। शरीर हमारे पापी स्वभाव को दर्शाता है। कुछ लोग शरीर के लिए बीज बोते हैं, जिसका अर्थ है कि वे वही करते हैं जो गलत है, जो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते हैं और अधर्म के काम को महत्व देते हैं और पाप में गिर जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वे विनाश काटते हैं। बुरे निर्णयों के बुरे परिणाम ही होते हैं। कुछ लोग आत्मा के लिए बीज बोते हैं, जिसका अर्थ है कि यह वे लोग होते हैं जो अपना जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए वे वही करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, जिसका परिणाम ये होता है कि वे अनंत जीवन काटते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ और उसके लिए जीते हैं तो आपको इसका अच्छा परिणाम मिलता है, और यदि आप अपना जीवन सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं और दुनियावी और शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं तो आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और तब आपको पाप में पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबका जीवन इसी तरह चलता है और हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप सेब का बीज बोते हैं तो उससे आपको सेब ही खाने को मिलेगा, और यदि आप करेले का बीज बोते हैं तो उससे आपको कड़वा करेला ही मिलेगा। इससे सेब की अपेक्षा ना करें। एक बार की बात है, एक लड़का था, वह अच्छा कमाता था तो अच्छा से अच्छा खाता था, पर ज्यादातर वो सब बाजार का तला और फास्ट फूड खाता था और हर रोज नशा भी करता था। उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन जब उसकी उम्र 40 की हुई तो उसका वजन बहुत अधिक बढ़ गया और 50 की उम्र में वह सिरोसिस ऑफ लिवर से पीड़ित हो गया। तब उसने कहा, अरे यह क्या हो गया, परमेश्वर आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? पर क्या यह परमेश्वर की तरफ से सजा थी उसके लिए? जी नहीं, यह सजा नहीं थी, यह फसल थी जिसका बीज उसने जीवन भर बोया और दोष परमेश्वर पर लगाया। हम मनुष्य बहुत ही अजीब हैं। जब किसी की शादी, दोस्ती, परिवार या करियर में कोई भी गड़बड़ी आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं और अक्सर परमेश्वर को दोष देते हैं। पर परमेश्वर ने आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, आपने खुद से जाने या अनजाने में अपने ही साथ ऐसा किया। यदि आप अच्छी आदतें डालेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, यदि आप बुरी आदतें डालेंगे तो अच्छे परिणाम की उम्मीद ना करें। वचन में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि हमारा अंत हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने नूह के जीवन को देखा और सदोम और अमोरा को देखा, इन दोनों वचनों से हमने जाना कि जिसका जीवन पाप में था और उनके कर्म अच्छे नहीं थे, उन सभी को प्रभु ने नष्ट कर दिया, पर परमेश्वर ने धर्मियों और प्रभु की आज्ञा मानने वालों को बचा लिया। दूसरा पत्रस के 2 अध्याय के 5-9 पद में लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने।
और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और वह कभी हम सबका बुरा नहीं चाहते। वह हम सबसे इतना प्यार करते हैं कि हम सबके लिए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि हम सब बचाए जाए। सोचिए, क्या आप अपने बच्चे को किसी के लिए कुर्बान कर सकते हैं? हम मनुष्यों के लिए ये बहुत मुश्किल है और जीवन का अंत होने से पहले परमेश्वर आपको ये एहसास जरूर दिलाएगा कि आपने जीवन भर जो किया वही आपके सामने आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें परमेश्वर के भय में रहना सीखना है, उसके वचनों को पढ़ना है, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन जीने की कुंजी है। और जब आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तब आपको भले और बुरे का ज्ञान होगा और आप अच्छा बीज बोने योग्य बनेंगे। और हम सब मनुष्य हैं, हम परमेश्वर नहीं, तो हमसे पाप तो होता ही है। जरूरी है उसका एहसास होना कि हमसे क्या गलत हुआ और सही समय पर उसको सुधारना या उस पाप के रास्ते से बाहर आना और परमेश्वर से अपने गुनाहों का अंगीकार करना, माफी मांगना, ये बहुत आवश्यक है। यह यहेजकेल की पुस्तक के 18वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। तो हम सबका जीवन एक बगीचे की तरह है, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जैसा कि मसीह ने हम सबसे कहा है, इस वचन को अपने दोस्तों और करीबियों में शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर उस मनुष्य तक पहुँचे जिन्हें उससे प्यार है। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हर एक परिवार में एकजुट होकर परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, उसके वचनों को पढ़ना और प्रार्थना करना अति आवश्यक है। आप सभी के घरों में बच्चे होंगे और हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को प्रभु यीशु के बारे में बताएं। परमेश्वर का साथ उनकी हमेशा सहायता करेगा और वो कभी भटकने ना पाएंगे। हमने एक गीत की पुस्तक बनाई है और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो परमेश्वर के राज्य और उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए है। और ये आप सभी को एकजुट होकर परमेश्वर की स्तुति और वंदना करने का अवसर देती है। और कुछ ही समय में इस पुस्तक का PDF फॉर्मेट आप हमारे YouTube चैनल यावे स्टोरीज से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस पुस्तक की प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो उसके लिए आप हमें jesuschriststories@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही न्यूनतम कीमत में आपके घर तक पहुंचवा देंगे। हमारे प्रभु यीशु की दया और कृपा आप सब पर बनी रहे। जय मसीह की।